वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम वेक्टर काइनेमेटिक्स के थर्ड पार्ट करने वाले हैं। तो इसमें हम बच्चों के 15 क्वेश्चन और करेंगे 31 से लेकर 45 तक। तो ये पहला क्वेश्चन अब हम शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या स्कूटर एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट फॉर टाइम t1 एट अ कॉन्स्टेंट रेट a1 एंड देन रिटार्ड्स एट कॉन्स्टेंट रेट a2 फॉर टाइम t2 एंड कम्स टू रेस्ट। द करेक्ट वैल्यू ऑफ t1 t2 विल बी। फाइनल वेलोसिटी इनिशियली रेस्ट पे था तो हो जाएगी a1 t1। फिर फाइनल वेलोसिटी अगले केस में जीरो है, फर्स्ट केस, सेकंड केस वी माइनस वी एक्सेलरेशन नेगेटिव में a2 t2, तो वी इज इक्वल टू a2 t2। तो t1 डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशन को, t1 upon t2 इज इक्वल टू a2 upon a1। हमारा आंसर हो गया दूसरा। अगला क्वेश्चन, स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, सर ने एक स्टोन ड्रॉप किया है। व्हेन इट क्रॉसेस अ 0.5 मीटर बिलो द टॉप, अनदर स्टोन इट स्टार्ट्स टू फॉल फ्रॉम अ 0.25 मीटर बिलो द टॉप। अभी 5 मीटर होता है तब यहाँ से एक और स्टोन गिरना शुरू करता है। बोथ स्टोन्स रीच द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग साइमल्टेनियसली, दोनों साथ साथ रीच करते हैं। द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, अब पहले यहाँ पे आने में इसको कितना टाइम लगेगा। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut² / 2, तो 5 इज इक्वल टू इनिस at² / 2, g/2 t² इससे ये गया 5, इससे ये गया टाइम आ गया 1 सेकेंड। अब ये टोटल हाइट h है, h इज इक्वल टू पहले स्टोन के लिए हाफ इंटू जी इंटू टी का होल स्क्वायर, और सेकेंड केस में एच -25 इज इक्वल टू हाफ इंटू टाइम कितना लेगा, 1 सेकेंड कम ले रहे टी -1 का होल स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे जो टाइम की वैल्यू आएगी वो आएगी 3 सेकेंड। तो हाइट कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू 10 इंटू 3² 9, 5 इक्वल टू 45 मीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, एन इंजन ऑफ अ ट्रेन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पासिस द सिग्नल पोस्ट विद वेलोसिटी u एंड द लास्ट कंपार्टमेंट विद वेलोसिटी v। द वेलोसिटी विद विच द मिडल पॉइंट ऑफ द ट्रेन पासिस द सिग्नल पोस्ट इज। मान लो ट्रेन की लेंथ एच है, एल है, एल है, तो v² - u² इज इक्वल टू 2a × l। ये डिस्टेंस l चलेगा जब यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ट्रेन है जो ट्रेन की लेंथ होगी उतनी डिस्टेंस चली होगी। v² - u² अब इक्वल टू 2a × l इक्वेशन 1। अब सेकेंड केस में v² - u² का होल स्क्वायर जो हमें निकालनी है इज इक्वल टू 2 × a, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी उस पर l/2 हो रही होगी, इससे ये गया v² - u² इज इक्वल टू v² al की वैल्यू कितनी है, यहाँ से ले लो v² - u² / 2, तो u² - v² + u - v² - v² / 2 इज इक्वल टू u1 का होल स्क्वायर। तो v² - u² / 2 इज इक्वल टू v1 का होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ से कौन सा, ये पहला हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी वी नॉट अलोंग एक्स एक्सेस के अलोंग वी नॉट की वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है। अ डैम्पिंग फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विच इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -α x². तो जो एक्सेलरेशन है ये तो फोर्स हो गई, एक्सेलरेशन मास से डिवाइड कर दो, -α x² / m। तो डिस्टेंस एट विच द पार्टिकल स्टॉप्स इज, एक्सेलरेशन कितना होता है, v dv / dx इक्वल टू
minus alpha x square by m vs कोडर भेज दो, इंटीग्रेशन कर दो, v से जीरो जा स्टॉप करेगा जीरो से x, तो एम वी स्क्वायर बाई टू जीरो माइनस एम वी स्क्वायर बाई टू एक जीरो की लिमिट पुट करनी पड़ेगी इज इक्वल टू माइनस अल्फा एक्स क्यूब बाई थ्री, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो थ्री एम वी स्क्वायर बाई टू अल्फा क्यूब रूट इज इक्वल टू एक्स, इसमें एम लिखना भूल गया, एम लगा देना, तुम्हारा आंसर हो जाएगा चौथा। अगला क्वेश्चन, इन अ कार रेस ऑन अ स्ट्रेट रोड कार ए टेक्स एट टाइम, कार ए ने टाइम लिया तो टाइम बी से टी कम है, और जो फाइनल वेलोसिटी ए की है बी की फाइनल वेलोसिटी से वी ज़्यादा है, दोनों रेस से स्टार्ट करती है और ट्रेवल करती है एक्सेलरेशन से, देन वी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, लेकिन दोनों बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो ए वन टी वन को होल स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू ए टू टी टू को होल स्क्वायर बाई टू, तो टी वन अपॉन टी टू इज इक्वल टू अंडर रूट ए टू अपॉन ए वन, अभी इसको इधर भेजो तो टी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी ए, अभी इधर माइनस का साइन आ रहा है तब इसका रेशियो शॉर्टकट से लेके टी वन है, टी वन को टी के टर्म्स में लिखना है तो जो सामने आ रहा है उसको लिख दो रूट ए टू, और क्योंकि इधर माइनस का प्लस होता तो दोनों के एड करके नीचे लिख दे, लेकिन माइनस का साइन है तो जो बड़ा है वो पहला आ जाएगा ए वन बड़ा है रूट ए वन, इधर माइनस का जो भी साइन है वो लगा दो, माइनस का साइन है माइनस ए टू इंटू टी, ये शॉर्टकट इसको करने का, वैसे ही टी टू आ जाएगा अंडर रूट ए वन अपॉन अंडर रूट ए वन माइनस अंडर रूट ए टू इंटू टी, ये टी वन हो गया ये टी टू हो गया, अब हमें वी निकालना है ठीक है, अब वी होएगा जनरल जो वी होता है कि तो यू प्लस ए थी इनिशियल एनी तो ए इंटू टाइम, और जो वी ए है वो कितना हो जाएगा ए वन इंटू टी वन, वी बी कितना होएगा ए टू इंटू टी टू, ये सब इधर पुट कर दो ए वन टी वन इज इक्वल टू ए टू टी टू प्लस वी, ए वन इंटू टी वन कितना है रूट ए टू अपॉन रूट ए वन माइनस रूट ए टू इंटू टी इज इक्वल टू ए टू इंटू अंडर रूट ए वन अपॉन अंडर रूट ए वन माइनस अंडर रूट ए टू इंटू टी प्लस वी, अब इसको सॉल्व करोगे तो जो वी की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी अंडर रूट ए वन ए टू इंटू टी, तो वहाँ से हो गया चौथा। टू गन्स ए एंड बी कैन फायर बुलेट्स एट स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर एंड 2 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, दे आर फायर्ड इन ऑल अपोजिट डायरेक्शन, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एरियाज कवर्ड बाय द बुलेट्स फायर्ड बाय द टू गन्स ऑन द ग्राउंड इज, अब देखो जो एरिया होगा वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें जो आर क्या आएगा वो क्या आएगा रेंज का होल स्क्वायर, और रेंज किसके प्रोपोर्शनल होती है यू के होल स्क्वायर के, तो जो ए वन अपॉन ए टू होएगा वो यू वन के होल स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब पावर फोर अपॉन यू टू की पावर फोर, इसकी वजह से कि टी वन वन को पावर फोर वन होता है टू की पावर फोर सिक्सटीन होता है, तो हमारा आंसर हो गया वन इज टू सिक्सटीन। अगला क्वेश्चन, टू फोर्सेस पी एंड क्यू मैग्नीट्यूड टू एफ एंड थ्री एफ रिस्पेक्टिवली आर एट एंगल थीटा विद ईच अदर, If force Q is doubled, then the resultant also gets doubled. Then the angle theta is, मतलब पहले मैं तो P square plus Q square is equal to plus 2PQ cos theta is equal to R square. दूसरे में P square plus 2Q का 2Q हो गया, मतलब 4Q का whole square P
प्लस 4 PQ कॉस थीटा इज इक्वल टू आर भी डबल हो गया 4R² वैल्यू पुट कर दो, पी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4F² प्लस 9F² प्लस 12 कॉस थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर, 2 2 4 4 3 12 इधर वही 4F² प्लस 36Q² प्लस 48 कॉस थीटा इज इक्वल टू 4R², इसको इसे डिवाइड कर लो तो 13 प्लस 12 कॉस थीटा अपॉन 40 प्लस 48 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4, इसको इसे डिवाइड कर लेगा तो कितना जाएगा 13 प्लस 12 कॉस थीटा इज इक्वल टू 10 प्लस 12 कॉस थीटा, ये 12 नहीं आएगा, ये 24 आएगा, 48 नहीं 24 आएगा, 24 अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक हो गया। 3 इज इक्वल टू -6 कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2 व्हिच इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, हमारा आंसर हो गया सेकंड। टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज एन टाइम द मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किया था बस इन दोनों की जगह अब इंटरचेंज हो गई है, तो मैं राइट जो लास्ट फाइनल रिजल्ट आता है उस पर आ जाता हूँ, 2A² प्लस 2A² कॉस थीटा इज इक्वल टू n² 2A² माइनस 2A² कॉस थीटा, इसके शुरुआत में यह करना होगा हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया हुआ है, तो 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू n² 1 माइनस कॉस थीटा, n² माइनस n² कॉस थीटा, सारी गिडियर कर लो तो कॉस थीटा 1 प्लस n² इज इक्वल टू n² माइनस 1, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू n² माइनस 1 अपॉन n² प्लस 1, तो ये हमारा पहला आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, क्या करूँ यही सर्कुलर पाथ है, पहले 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, अभी 60 डिग्री का एंगल चल गया, तो अब चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा, तो कितना होता है चेंज इन वेलोसिटी, वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 इन दोनों के बीच का एंगल कितना होएगा 60 डिग्री होएगा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा अंडर रूट a² 100 प्लस b² माइनस 2ab, 2ab कितना हो जाएगा माइनस 200 कॉस थीटा, कॉस 60 कितना होता है 1/2 100, ये वापस कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो गया 10 मीटर पर सेकेंड दूसरा ऑप्शन। चलो क्वेश्चन, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन एन ओपन ग्राउंड हियर्स द साउंड ऑफ अ जेट एरोप्लेन कमिंग फ्रॉम नॉर्थ एट एन एंगल 60 डिग्री गॉट फ्रॉम ग्राउंड, एक पर्सन खड़ा है उसे साउंड की आवाज आती है 60 डिग्री के एंगल पे, यहाँ पे उसे साउंड, यहाँ से उसे साउंड की आवाज आ रही है, लेकिन जब वो देखते तो देखता है वो पाता है जो एरोप्लेन है वो उसके एकदम सर के ऊपर है, तो अगर वी साउंड की स्पीड है तो एरोप्लेन की स्पीड कितनी होगी, हम चलो देखते हैं। अभी एरोप्लेन ये साउंड ने एस डिस्टेंस ट्रेवल किया टी टाइम में, और उठते ही टाइम में एरोप्लेन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, एस कॉस 60, और एस कॉस 60 कितना होएगा 2/3 s/2 डिस्टेंस ट्रेवल, s/2 डिस्टेंस ट्रेवल की वो भी टी टाइम में, इसकी वेलोसिटी कितनी होएगी s/t, साउंड की वेलोसिटी एरोप्लेन की कितनी होएगी s/2t, ये कितना हो गया वी साउंड की हाफ वेलोसिटी होगी, तो हमारा आंसर हो गया तीसरा। और चौथा ऑप्शन, चौथा मतलब 44th क्वेश्चन, अ पैसेंजर ट्रेन of length 60 meter travels at a speed of 80 km/h. Another freight train of length 120 meter
there was at a speed of 30 km per hour. The ratio of times taken by passenger train to completely cross the freight train will be when they are moving in same direction and move करेंगे तो velocity plus हो जाएगी और time कितने होते हैं time कितने होते हैं displacement upon velocity तो t1 upon t2 निकालना है दोनों के displacement same है पहले जब same direction में move कर रहे तो ये velocity minus हो जाएगी 50 डिवाइड बाय टी टू के केस में ये अपोजिट में मूव करे तो वेलोसिटी ऐड हो जाएगी कितनी हो जाएगी 101 तो कितना हो जाएगा 11/5 ऐसे हो गया 30 तक अब चौथा ऑप्शन चौथा मतलब लास्ट क्वेश्चन द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम इज गिवन बाय s इज इक्वल टू a cos ओमेगा t y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t और z इज इक्वल टू a ओमेगा t द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज अब वेलोसिटी वेक्टर का मॉड कितना आएगा इंडर रूट एक्स स्क्वायर का कंपोनेंट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस वाई स्क्वायर का कंपोनेंट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस जेड स्क्वायर का कंपोनेंट ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टी इसका ओमेगा स्क्वायर का टी स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन करेगा तो वेलोसिटी कितनी आएगी ई ओमेगा साइन ओमेगा टी वाई कितना आएगा वी वाई ई ओमेगा कॉस ओमेगा टी ये कितना हो जाएगा ई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस नहीं आएगा साइन आएगा और ये साइन नहीं आएगा कॉस आएगा और इधर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा टी तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू टी का होल स्क्वायर तो ये सॉल्व करने पर आ जाएगा रूट टू ए ओमेगा इंटू टी अब ये इधर टी नहीं आएगा ये गलत हो गया ये टी नहीं आएगा तो यहाँ से टी हट गया ये टी हट गया ये टी हट गया रूट टू ए ओमेगा आंसर आएगा तो ये हमारा वेक्टर का काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन खत्म होते हैं हमने टोटल 3 पार्ट में 45 क्वेश्चन किए तो देखने के लिए थैंक यू ऑल द वेरी बेस्ट